हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कच्चे केले की चिप्स की रेसिपी। तो देखिए दोस्तों, हम केलों को इस तरह से छील लेंगे, सारे केलों को अच्छे से छील लेंगे। देखिए, तो हमने सारे केलों को इस तरह से छील लिया है। फिर एक बर्तन में हम पानी लेंगे, फिर उसमें हम सारे केलों को डाल देंगे इस तरह से। देखिए, इस तरह से हमने सारे केलों को अच्छे से धुल लिया है। फिर एक कपड़े की सहायता से इसको पोंछ लेंगे, जो भी इसमें थोड़ा बहुत पानी होगा वो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। फिर हम लेंगे कद्दूकस, और देखिए जिस तरफ ये चिप्स वाला होता है उस तरफ से हम इसको इस तरह से पतला पतला इक्वल साइज में कट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने सारे केलों को अच्छे से कट कर लिया है। फिर इधर कढ़ाई में हमारा तेल गर्म हो चुका है और हमने इस तरह से इन केलों को डाल दिया है। और देखिए, अभी हमने लो टू मीडियम रखी है गैस, धीमे धीमे इसको सिकने देंगे। इस तरह से लो टू मीडियम गैस पे अच्छे से ये अंदर तक सिक जाएंगी। इनको जितना ही हम धीमे धीमे सेंकेंगे उतनी ही ये करारी एकदम से बनेंगी। फिर हम इनको उलटते पुलटते इस तरह से सेंक लेंगे। देखिए, ये अब हमारी हल्की हल्की गोल्डन ब्राउन होने लगी हैं। ये देखिए दोस्तों, अब हमारी सारी चिप्स सिक के तैयार हैं। ये देखिए, हम इसको इस तरह से निकाल लेंगे जिससे इसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। इसी तरह से हम दूसरी चिप्स को भी सेंक के बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, ये देखिए कुल 5 केलों में ही कितनी सारी चिप्स बन के हमारी तैयार हैं। फिर हम इसमें चाट मसाला, मिर्च और नमक डाल के ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इसको अच्छे से मिक्स करते हुए चला लेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती हैं और ये बहुत ही क्रिस्पी बनी हुई हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिए। ओके, बाय बाय।